गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे उठ चुका है। वेलकम बैक टू साव्या का संसार। मैं भी उठी हूँ, अब चलिए थोड़ा फ्रेश व्रेश होंगे, ब्रश करेंगे, फिर नीचे चलेंगे। बाकी आपको तो जो भी करेंगे दिन भर आपको दिखाएंगे। कॉलेज जाने वाले थे लेकिन बहुत सारे सामान की डिलीवरी आ गई है। वो सामान क्यों है, किस लिए है, जल्दी ही आपको पता चलेगा। अभी फिलहाल देखते क्या क्या आया है। कि फ्रेंड्स बहुत सारा सामान आ गया है। छोटा सा गाड़ी है फ्रेंड्स। वो जो पार्सल देने आया ना, उन्होंने कहा है कि सील साइन सब लगेगा। तो साकेत कहीं मार्केट निकल गया, मेरे को ना उनका पूरा डॉक्यूमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे। तो चलिए आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं। क्या मंगाया हो? यही रखवा रहे पूरा। फ्रेंड्स हम लोग जो बात आपको बताने वाले थे बहुत दिन से, वो आप पीछे का भी एक साथ देख लीजिए कुछ कुछ। तो ये हमारा स्टोर रूम टाइप का है, सो इग्नोर द बैकग्राउंड। बाजू वाला ये हमारा घर है और यहीं से हमारा बाजू वाला एक और घर है जिसको हम अभी स्टाफ और सामान के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आप पीछे का सामान देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या होने वाला है। अभी तक काम ऑन द ग्राउंड था करके हम लोग का इतना मन होता था कि आप सबसे शेयर करें, क्योंकि आप ही लोगों जो सपोर्ट करते हैं, बट किया नहीं। एक सेकंड, लेकिन अब हम शेयर करेंगे। तो ये सामान सेटल करवा लेते हैं, फिर एक बार आपको बैठ के बताते हैं कि होने क्या वाला है। फ्रेंड्स इसने ना यहाँ पूरा पानी भर दिया था और ये चाहता था यहाँ से पूरा पानी बह के जाए, देख लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आ चुकी हूँ मैं घर, शाम हो चुकी है। क्यों मेरा कैमरा धुंधला धुंधला हो जाता है, अब सही है। तो आ चुकी हूँ मैं घर और सबसे पहले फ्रेश होने के बाद मैं चढ़ाने वाली हूँ अपनी चाय, बिकॉज चाय बिना जीना नहीं जीना। आप सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को क्या पसंद है, चाय या कॉफ़ी। मुझे तो दोनों पसंद है, मेरे को कोई सिलेक्ट करने बोलता है कि यू आर चाय पर्सन और कॉफ़ी पर्सन, तो मैं तो भैया नहीं सिलेक्ट कर पाती। मुझे बहुत तेज भूख लगी है और अभी कोई घर पे आ भी नहीं रहा, मतलब आज मेरा चीट डे, मतलब हफ्ते में एक दिन मैं अपनी मर्जी का खाती हूँ। हाँ ये एक है कि 7 बजे के एनीवेज नहीं खाती हूँ, बट हाँ अपनी मर्जी का खाती हूँ। तो मैं ना तो कुछ पाव बचे थे और ये बटर था, तो मैं सोच रही हूँ मेरे को सेक लेती हूँ और फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ। ये लो नाश्ता। ये मेरी चाय और ये मेरा पनमस्का है और मस्त मैं पनमस्का को चाय में डुबा के खाने वाली हूँ। बचपन याद आ गया, बहुत खाते थे। उफ। और ये देखिए जनाब यहाँ क्या कर रहे हैं और कैसे बैठे हैं और कहाँ पे बैठे हैं, देखिएगा। हेलो, कितने देर में आ रहे हैं? ये वो लोग हैं जो फोन से 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकते। फ्रेंड्स आप देखते हैं ना, वो मीम बनता है, चार्जर जहाँ जहाँ आदमी वहाँ वहाँ। तो ये लिविंग एग्जाम्पल है उस मीम का। इस व्यक्ति के साथ मैं यहाँ 1 घंटे से हूँ इस कमरे में, और मैं आपको क्लियर बता दूँ, इस व्यक्ति ने सिवाय चाय नाश्ता और खाने के मेरे से कोई बात नहीं, और ये व्यक्ति कंटिन्यूस अपने फ़ोन में है। तो 20 तारीख के बाद जब इनका काम हो जाएगा, उसके बाद अगर ये व्यक्ति आपको व्लॉग में बोले कि मैं इसको अपना समय नहीं दे रही हूँ, तो ये रिकॉर्डेड है। हेलो फ्रेंड्स, तुम कैसे हैं आप लोग? तुम क्या कर रहे हो तब से यहाँ बैठ के? कुछ तो भी कर रहे हैं।
पर हम ऐसे बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, तो मोबाइल तो अभी चला। नहीं नहीं, मैंने वहां से भी जिस समय ये व्यक्ति आके बैठा था, ये क्लिप जा चुकी होगी, तुम जब बैठे थे तभी मैं वहाँ चुपके से रिकॉर्ड करके डाल चुकी हूँ, और सबको पता तुम कितने देर से बैठे हो। कितने देर से बैठे हो? कम से कम आधा घंटा हो गया। आधा घंटा मेरे आए हुए नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा, ये भी अच्छा है कि मैंने दिखाया था साकेत इतने बजे आ गए हैं और मैं चाय बनाने जा रही हूँ। घड़ी खराब है अपना, तीन दिन। और अब देख लीजिए आप कितना टाइम इसमें नहीं लगाए हुए हम लोग, देख लीजिए। नहीं नहीं नहीं, अभी तो बस इसका बर्थडे है करके मैं इससे लड़ाई नहीं करना चाहते हो। 10 तारीख के बाद आप ये व्यक्ति मेरा रौद्र रूप देखेगा अगर इसी तरीके से इसके हाल रहे तो। मैंने सोचा कि बर्थडे बॉय है, सुधरने का मौका दे सकते हैं। अब देखिए तुरंत तुरंत आप सामने देखिए। हाँ हेलो जी भैया, बताइए। हाँ ट्यूबलाइट की बात कर रहे हो सर। ट्यूबलाइट ये व्यक्ति हो चुका है। खैर मैं तो झेल ही रही हूँ, आपको नहीं जलाना चाहती हूँ। फोन जब रख ले ये व्यक्ति तब मैं आपसे मिलती हूँ। आज मेरा बहुत ही लेजी डे है और मेरा कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा है जो बहुत टेस्टी हो, ये इजी हो, क्योंकि मुझे मेहनत नहीं करनी, रोज़ खाना मैं खुद ही बनाती हूँ और कल मेरी प्रेजेंटेशन भी है, तो क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। क्या लाए ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ओम कुकिंग करते हैं और उसने कहा कि मुझे रिकॉर्ड करो। सैंडविच बना रहा है बेचारा, बता नहीं पा रहा था तो मैं रेसिपी बता देती हूँ। ब्राउन ब्रेड लिया है, हल्का सा चीज़ और मलाई को फेट लिया है, और वो देखिए उसका ना ऐसे स्प्रेड टाइप का बना के वो अपने हाथ से लगा रहा है। बाकी आप इसमें अपने हिसाब से चीज़ें मिला सकते हैं, जैसे इलायची या फिर कुछ मीठे में आपको चाहिए चोको चिप्स वगैरह तो वो सब मिला सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ड्राई फ्रूट समझो उसके लिए बना के रखते हैं, वो डाल रहा है कितने क्यूटली। उसके बाद हम सब चले गए थे बोरिया मार्केट, जो भी सेक्टर 4 या भिलाई में रहता है उसको पता है बोरिया मार्केट कितना अच्छा लगता है। मुझे ये फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स देख के ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा आपके लिए भी रिकॉर्ड कर लूँ। और ठंडी में मेरी फेवरेट सब्जी होती है पालक और मेथी। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ठंडी में ऐसी कौन सी सब्जी है जो आपकी फेवरेट है, या ठंडी का ऐसा कौन सा स्पेशल डिश है जो आप बनाते हैं। हमारे यहाँ तो गाजर का हलवा और सारे जो साग होते हैं ना यहाँ पे आप देख रहे हैं, स्पेशली डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैप्सिकम, वो तो मिलते ही मिलते हैं। हमने पत्ता गोभी ली, बैंगन लिया, लौकी लिया, खीरा लिया, और आई गेस शायद गाजर और वो भी लिया, और जितने भी साग होते हैं वो लिया। ये भी है, वो अलग है, ये अलग है। अब डिनर टाइम हो चुका है, यहाँ सबका खाना गर्म हो रहा है। यहाँ आलू मेथी बन रही है, यहाँ पे दाल है, और यहाँ पे है अंडा कड़ी जो दिन में ही बना था, तो गर्म हो रहा है क्योंकि सबको अंडा कड़ी दो बार तो खानी ही होती है, तो घर में एक्स्ट्रा ही बन जाती है हमारे। ये देखिए फ्रेंड्स, साकेत गोलगप्पे लाए थे ना, तो मैं वही गोलगप्पे एकदम खा रही हूँ इतना एंजॉय करके, क्योंकि शायद 1.5-2 महीने बाद में गोलगप्पे खा रही होंगे, तो आई एम लाइक आई एम एंजॉयिंग दिस मोमेंट। फ्रेंड्स ये देखिए, ये व्यक्ति को मैं तब से कह रही हूँ कि चलो मुझे कुछ कुछ काम में करवा दो, पर ये यहाँ टॉय से खेल रहा है। उम्र बताना अपनी, 55। कितनी उम्र है सही से बता दो सबको।
पचपन है और पचपन में इतने यंग दिखने का राज, पचपन बोल रहे नॉट बचपन, पचपन में इतने यंग दिखने का राज, वही पूछ रही हूँ। अरे भाई खूब टेंशन लो, खूब टेंशन लो कि दो, खूब टेंशन लो कि दो, नहीं दो कि दो लो, कि दो नहीं दो। फिलहाल क्या कर रहे हो, ले रहे हो कि दे रहे हो? दोनों कर रहे हो। आदान प्रदान जारी, आदान प्रदान। बिग बॉस कितने बजे चालू है? बिग बॉस चालू है 10:30 से और फिलहाल बज रहे हैं 10:10 कम है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आज खाना नहीं खाई थी तो मैं थोड़ा लेट खा रही हूँ और साथ में एक बुक दी रेडी मुझे, उसको मैं पढ़ना शुरू करूँगी। पहले मैं बहुत बुक रीडिंग करती थी बट जब से टीचिंग और NIT ये सब हुआ तो मेरी हैबिट थोड़ी सी छूट गई थी, बट अब फिर से स्टार्ट करेंगे। तो ये कहाँ का है? केरला ना? मुन्नार। फ्रेंड्स हम तब व्लॉगिंग नहीं करते थे, अगर व्लॉगिंग करते तो सच में इनका कितना फ़ायदा होता ना। हमारे साथ आप भी घूमे होते, आई थिंक ठेकाडी ट्रैकिंग का जिससे अपन ऑफ रोड किए थे, खींच के ले जा रहे थे जंगल में। अरे चलो वापस जंगल। सो फ्रेंड्स, मैंने साकित को पानी लेने के बहाने नीचे भेज दिया है और आज का भी सरप्राइज मैंने रेडी कर दिया। सब छोटे छोटे हैं क्योंकि जो बिग सरप्राइज है बिग डे मिलेगा और बाकी सारे छोटे छोटे दिन में उनकी जरूरत या पसंद की चीजें दूंगी, जैसे कि ये है बट जरूरत का है। मैंने तो भेजा भी नहीं था आज तुम्हें, तुम खुद से गए थे ना? उस पर डे काउंट नहीं लिखा हुआ। आई एम एंग्री। उससे पहले तुम आ गए, ये भी तुम्हारा जो है खत्म हो गया है। पहले तुम्हारा, ये दोनों। नहीं 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 नहीं, ये सेंसिटिव स्किन के लिए, जब आपको कुछ वो ना हो पिंपल्स, और ये तब जब एक्ने वगैरह हो तो ऑयल कंट्रोल की जरूरत पड़ती है, तो आप ये डेली करें और ये अगर एक्ने वगैरह है तब करें। ओके थैंक यू। हैप्पी? वेरी हैप्पी। खत्म हो गया था ना? आई नो। सो रात हो चुकी है और आज का व्लॉग मैं यहीं फिनिश करूंगी और ये व्यक्ति फिर फोन में है, मैं आज आपको बैक टू बैक दिखाते जा रही हूँ। कुछ नहीं होगा शक्ल छुपाने से, मैं तुम्हारी ये फोन वाली आदत बार बार बिग बॉस के शो जैसे कॉल आउट करूंगी ताकि लोग कमेंट सेक्शन में बोले कि इतना फोन नहीं यूज करना चाहिए, आंखें खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी खराब है, अब क्या ही खराब नहीं, चश्मा लगा है। तो प्लीज आप जितने लोग देख रहे हैं इनका नाम लेकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इतना फोन यूज करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। और कोई तो आज अपना बर्थडे गिफ्ट पे दो वाला देख के बड़ा खुश हो गया है, पता नहीं मतलब लोग भी रिएक्शन देखेंगे तो सोचेंगे इस बंदे को जारा का बेल्ट दे रहे, तो ओह अच्छा ऐसा रिएक्शन आ रहा, और वो फेस वाइप देख के वाह वाला रिएक्शन ना रहा है। तो खैर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ब्लॉग की एंडिंग तो ले लो फोन साइड रख के, क्या करना बता। आज तुम एंडिंग लो, चलो एनर्जी के साथ हम देखते हैं। मैं इतने सारे डेली ब्लॉगर्स के पति को देखती हूँ खुद ही सुबह उठ के, हेलो फ्रेंड्स, तो आज संभावना लेट उठी तो मैंने आज डेली ब्लॉग शुरू कर दिया, ऐसे करते। और तुम कल मिलते हैं आप लोगों से इसी ब्लॉग। सॉरी गाइस, मुझे इतनी लेजी वाइब नहीं चाहिए। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, आई होप आपको हमारा डेली ब्लॉग्स की सीरीज अच्छी लग रही होगी। अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करिए, थोड़ा सपोर्ट किया करिए ताकि मैं और ब्लॉग्स बनाते जाऊँ, क्योंकि डेली ब्लॉग्स का मुझे आइडिया नहीं है, धीरे धीरे बनाते बनाते मैं सीखूंगी। सबसे पहले तो ये सीखूंगी कि यहाँ देखना है कि यहाँ देखना है, पर फिलहाल जैसा भी है मैं तो देखना, नजर मेरे ऊपर रहना चाहिए, पर फिलहाल तो नजर कैमरा पे है। तो आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, मेरी मेहनत अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज साव्या का संसार। बाय बाय।